जैसे आपने कहा कि पिताजी की विरासत, तो निश्चित रूप से जो माननीय हमारे पिताजी ने जो भी राजनीतिक रूप से जो काम किए थे, आज मैं उन कामों को और जो उनकी एक विचारधारा थी हमेशा गरीब मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ने की, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी लड़ाई आगे निरंतर लड़ते रहने के लिए मैं राजनीति में आया। और जैसे आपने कहा था 2017 में, 2017 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हवा थी। इन्होंने तमाम किसानों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से, सर समाज के लोगों से इन्होंने तमाम झूठे वादे करके जरूर हम लोग अपनी चुनाव हार गए थे। मगर आज मैं पूरे विश्वास से आपके से बताना चाहता हूँ, या कहना मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज मैं लोगों के बीच में चल रहा हूँ तो आज जो कप्तानगंज में विशेष तौर पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो जो जनप्रतिनिधि उन्होंने चुना था, पिछले 5 साल में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने विधायक को शक्ल से पहचान नहीं पाते। आज ये कप्तानगंज की सबसे बड़ी समस्या है और मैं लोगों के बीच में जाके उनको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको जब जरूरत रहेगी आपके बीच में खड़ा रहने का काम करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। जी, वो सम्मान ही मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों ने बहुत प्यार, बहुत दुलार, और मैं जब पैदा हुआ तब से वो विधायक वहां पर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए वो एक परिवार की तरह, मेरे लिए वो विधानसभा क्षेत्र नहीं, एक मेरा परिवार है जिसमें बड़े भाई बेटे की तरह, पिता की तरह लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे अपना आशीर्वाद प्यार देते हैं और मैं भी उसी मेहनत से और उसी विश्वास के साथ उन लोगों के लिए काम करने का काम करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किसानों से, नौजवानों से बहुत बड़ा वादा करने का काम किया था। किसानों से कहा था कि 2022 आते आते किसान की आमदनी दूना करने का काम, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो किसान की आमदनी दूना करने का। लेकिन 5 साल बीत गया, कहीं से भी किसान की आमदनी दूना करने का, किसान का खर्च 4 गुना बढ़ गया, डीजल के माध्यम से, बिजली के माध्यम से दाम बढ़ा के 4 गुना, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, इस सबों पर दाम बढ़ा करके किसान के खेतों पर जो लागत आती थी दूना करने के बजाय उनकी उनका खर्च 4 गुना। नौजवान के लिए कहा था, जो घोषणा उनका संकल्प पत्र था, कि 70 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आपने देखा, कभी बयान देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कभी कहते हैं 20 लाख लोगों को दिया, और जब सही आंकड़ा आप जैसे लोग जब सामने लाते हैं तो कहते हैं 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो न किसान की आमदनी दूना हुई, न नौजवानों को रोजगार मिला। इस आधार पर पीछे गुमराह होके, प्रलोभन देके लोगों से वोट लिया था। अब जनता को सच्चाई पता चल रही है। मौजूदा विधायक ने अपनी मेहनत, परिश्रम, सेवा के माध्यम से उन्होंने वोट लिया था, और न ही आज जनता के बीच सेवा के माध्यम से जा रहे। वो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के नाम पर वोट लिए थे, उन्हीं के नाम पर आज भी जनता के बीच जा रहे।